जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम 95 में। बच्चे देख लीजिए, हम लोग जो यहां से राकेश यादव सर का जो न्यू मैथ्स है, न्यू एडिशन जो है 2023 वाला, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और उसका हम पहला चैप्टर कर रहे हैं बच्चे, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और उसमें हमने उसका कल भी पहला पार्ट कर लिया था, जिसमें हमने 31 क्वेश्चन वहां से कंप्लीट किए थे। आज हम अपना दूसरा पार्ट यहां से करने के लिए जा रहे हैं। और एक चीज और बच्चे, आपको जो ये पीडीएफ मैं बना रहा हूं मेरे भाई, पीडीएफ जो मैं बना रहा हूं ये सारी, तो ये सारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी बच्चे। किस पे? टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ोगे कैसे, ठीक है? तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ भाई, वहां पर जाइए और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए। और वहां से आपको इस पूरी बुक की जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड होती चली जाएगी बच्चे, ठीक है? तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। भाई देख लीजिए, आज का जो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, सवाल है बच्चे कि 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो मेरे भाई 13,851 को बच्चे क्या है, डिवाइड कर दीजिए किससे? आप कहेंगे भैया 87 से। कितने से डिवाइड कर दीजिए मेरे भी? 87 से डिवाइड कर दीजिए। तो 87×87 बच्चे बचा कितना यहां से? आप कहेंगे 1 और 8 5 13 51 बचा, उतार लिया 5, ठीक है? तो 8 6 48 लगभग 6 बार जाएगा, 6 7 42 के का 2 हाँ से लगे 4, 6 8 48 4 52 नहीं जानेगा, ठीक है मेरे भाई? तो लगभग 5 बार कर दीजिए। कितनी बार बच्चे? 5 बार, ठीक है? तो 5 बार करोगे, 5 7 35 के का 5 हाँ से लगे 3, 5 8 40 और 3 43 मेरे भाई कितना? 43 बच्चे बचा कितना? 0 यहाँ से 11 में से 3 गए तो 8 8 3 11 बच्चे कितना बचा यहाँ से? 80 बचा। उतार क्या लिया हम लोगों ने? 1 उतार लिया मेरे भाई। यहाँ से कितनी बार जाएगा? लगभग 9 बार। तो 9 7 63 के का 3 हासिल लगे 6, ठीक है? 9 8 72 72 और 6 बच्चे कितना हो गया? 78 हो गया। कितना हो गया? 78 भाई। बचा कितना? आप कहेंगे यहाँ से 11 में से 3 गए तो 8 बचा, ठीक है? 9 में से 8 गए तो 18 बचा। अब भाई देखो बच्चा क्या है, बच्चे 18 बचा है। कितना बचा है? 18 बचा है। मान लीजिए अगर अब मैं इसे करता तो 87×87 करता बच्चे, जो पूरी पूरी भाग चली जाती 87×87 जब ही तो कर लेता। तो इस 18 को हम लोगों को कितना बनाना है? 87 बनाना है। इस 18 को हम लोगों को बनाना कितना है? 87। तो भाई इसमें कितना ऐड करें हम लोग जो ये 87 बन जाए? तो आप कहोगे कि भैया 87 में से ही घटा दो आप लोग 18, ठीक है मेरे भाई? तो 17 में से 8 गए कितना बचा? 9 बचा। 7 में से 1 गया तो कितना बचा बच्चे? 6। तो कितना ऐड और करें? 69, 69 ऐड करें तो मेरे भाई 69 आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। और बच्चे ये आपका 2020 में सीपीओ में आया हुआ सवाल है, ठीक है? 69 बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे वीर। अगला सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लग चुका है, सवाल है बच्चे कि यदि एक्स तथा वाई एक संख्या, भाई कितनी है संख्या? ये है आपकी 3 4 7 एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है। बच्चे किससे? 80 से विभाजित है। तो x प्लस वाई के मान आप लोगों को निकाल देने हैं, ठीक है मेरे भाई? संख्या क्या है आपके पास? 3 4 7 x और y। बच्चे क्या? x और y, यह है संख्या। और ये डिवाइड किससे है आप लोग बताएंगे? भैया 80 से डिवाइड है बच्चे। 80 के फैक्टर करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 8 और 10 आ जाएगा भाई। अब देखो एक चीज आप लोगों को बहुत ध्यान से देखनी है। मान लीजिए कोई भी संख्या 10 से डिवाइड कब हो चाहिए? जब उसका इकाई अंक 0 हो। तो भाई यहां से और 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 अंक, तो बच्चे ये 3 संख्याएं ले ली हमने, कितना? 3x और y का मान कितना हो गया मेरे वीर? 0। अब यहां मैं x का मान क्या रखूं जो 8 से कट जाए? तो बच्चे x का मान क्या रखा जाएगा? 8 9 72। तो बच्चे यहां 2 ना रख दे हम, 2 जब ही तो कट सकता है, 720 कट सकता है कम से कम। बच्चे कितना? 720, क्योंकि 0 इकाई का अंक है तो यहां पर 2 रख सकते हैं हम, 8 9 72। तो मेरे भाई हम लोगों को x और y के मान मिल चुके हैं बच्चे। x का मान कितना मिल गया? आप कहेंगे भैया 2 मिल गया। और y का मान बच्चे कितना मिल गया? 0। उसने पूछा है इन दोनों का सम, इन दोनों का एड, बच्चे जोड़, जोड़ पूछा है, x प्लस y का जोड़। मेरे भाई 2 और 0 कितना होगा बच्चे? जोड़ोगे आप तो 2 ही होगा बच्चे। कितना होगा? 2 ही होगा। 2 आपके किस ऑप्शन में? आप बताएंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। आप बताएंगे इस सवाल का आंसर आपके का क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे वीर अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 93 से पूरी तरह विभाजित होती है वह संख्या क्या? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी लिखेंगे 9999 मेरे भाई, ये हो गया। इसको किससे डिवाइड करना हम लोगों को? आप कहेंगे भैया 93 से डिवाइड कर देना, 93 बच्चे। तो 93 बच्चे बचा कितना? आप कहेंगे भैया 6 बचा। उतारा कितना यहाँ से? 9। भाग न जाती का 0, उतार लिया फिर ये वाला 9। तो बच्चे यहाँ से आप लोग देखो कि लगभग कितनी बार जाएगा? तो 9 7 63 9 8 72, तो लगभग 7 बार जाएगा।
सात एक किसके का एक हासिल लगे दो, सात नम 63 और दो कितना हो गया बच्चे 65 हो गया, बच्चे कितना 65, भाई बच्चा कितना यहां से 8 बचा और यहां से 4 48 बचा। तो बच्चे कब ये कटता, कब कटता, तो आप कहेंगे भैया कि इसमें अगर एक बार और जाता तो ये 93 और हो जाता, तो 93 पूरा पूरा हो जाता तब ये कट जाता। भाई इसको 48 को 93 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो बच्चे 93 में से आप लोग 48 को घटा दीजिए, 48 को भाई 13 में से 8 गए कितना बचा 5, और 8 में से 4 गए तो कितना बचा बच्चे आप कहेंगे भैया 4, तो कितना 45, कितना और ऐड करना पड़ेगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे भैया 45 ऐड, सॉरी 45 ऐड नहीं करना पड़ने का भैया, यहां से देखो क्या है पूरी तरह विभाजित, भाई देखो ऐड करेंगे तो वो फिर 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई, तो कम करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट 48 ही घटा दो भाई, ये एक्स्ट्रा आया ना 48, ये 48 इस संख्या में से घटा दो भाई, तो संख्या क्या थी 9999, इसमें से हम लोगों को क्या घटाना है 48 घटा देना बच्चे, तो यहां से 9951 बच्चे क्या बचेगा 9951, 9951 आपके कहां किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है भाई, 2020 में सीजीएल मेन में आया हुआ सवाल है, देखो 2020 में बच्चे, और इस बुक की एक खासियत है कि इस बुक में सारे के सारे नए सवाल है, बहुत अच्छे हैं भाई बहुत अच्छे। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे, सवाल यहां से क्या है, सवाल है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 210 में से घटाए जाने पर प्राप्त जो राशि होगी वो पूरी तरह 11 से विभाजित होगी। बच्चे 210 के पास में कौन सी संख्या है, किसको हम घटाएं जो 11 से डिवाइड हो जाए, 11 से करेंगे हम लोग 11 का ना 11, बचेगा कितना मेरे भाई यहां से 10 उतार कितना लिया 0 100 हो गया, तो बच्चे आप कहेंगे 11 9 99, तो मेरे भाई कितना एक्स्ट्रा है एक, भाई इस एक को अगर मैं घटा दूं तो पूरी पूरी कट जाएगी, मतलब क्या 209 जो संख्या होगी हमारी वो 11 से पूरी पूरी डिवाइड होगी बच्चे 209, तो क्या करना हम लोगों को एक माइनस कर देना भाई, कितना एक घटा देना है, तो एक आपके किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी सीजीएल मेन 2020 में आया हो क्वेश्चन बच्चे, ठीक है तो यहां से क्या एक घटा देना। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि यदि 12 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा, भाई कितना 142n, ठीक है बच्चे किससे विभाज्य है ये 12 से, मतलब 12 से है, तो बारिकन 12 मेरे वीर, बारिकन कितना बच्चे आप कहेंगे भैया बारिकन 12, बच्चा कितना यहां से आप कहेंगे 2 हो गया कितना 22, ठीक है बच्चे बारिकन 12, बच्चा कितना यहां से आप कहेंगे 10, उतारे क्या n, भाई अब n की जगह पर हम ऐसी संख्या उतार सकते हैं भाई, ऐसी संख्या जो 12 से कट जाए, तो 100 के ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 से कटेगी बच्चे 100 के ऊपर, तो आप कहेंगे 12 नम्मा 108, भाई इसको मैं ज्यादा से ज्यादा यहां पर n का मान 8 ही तो रख सकता हूं, जब तो कटेगा ये 12 नम्मा 108 बच्चे जब तो कटेगा, तो मैंने इसका n का मान क्या रख दिया बच्चे यहां पर, आप कहेंगे भैया n का मान क्या रख दिया 8 रख दिया, तो भाई n का मान क्या आएगा यहां से, आप कहेंगे भैया कि n का मान तो 8 आएगा बच्चे, कितना आएगा n का मान 8 आएगा किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल के दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 पर समाप्त होती हैं तथा 3 से विभाज्य, बच्चे देखो यहां से क्या है, मान लीजिए दो अंकों की संख्या तो एक्स बाई होंगी और उसने कही 7 पे समाप्त, तो भाई एक्स तो ऐसी रहेगी और 7 पर समाप्त होगा मतलब 7 पे अंत होगा और 3 से कटेगी, तो बच्चे 3 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए, मतलब 3 से कट जाए बच्चे 3 से, तो 7 के पास यहां क्या रख सकते हैं हम, 7 2 9 रख सकते हैं बच्चे, क्या एक तो 2 रख सकते हैं 2 7 2 9, ठीक है भाई 9 कटेगा, एक क्या आप 5 रख सकते हैं 7 5 12 कटेगा, और एक 8 रख सकते हैं 8 7 15 कटेगा, ठीक है 8 7 15, फिर 18 रखेंगे हम लोग तो कितना 11 हो जाएगा बच्चे, और 11 इस पर रखेंगे तो 3 अंक की संख्या बन जाएगी, तो भाई इन तीनों के मान रख सकते हैं हम, इन तीनों को रख सकते हैं x की जगह, तो बच्चे एक संख्या हमारी क्या बन जाएगी 27 बन जाएगी भाई, मेरे एक संख्या क्या बन जाएगी 57 बन जाएगी, और एक संख्या क्या बन जाएगी बच्चे 87 बन जाएगी, कितनी 87, तो ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, आप कहेंगे भैया ऐसी तो 3 संख्याएं पॉसिबल हैं, तो 3 आपके किस ऑप्शन में है, तो आप बताएंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है कि ऐसी 3 संख्याएं पॉसिबल है, ठीक है बच्चे। चलिए अगले सवाल के पास चलते मेरे भैया, अगला सवाल देखो क्या है, यहां से सवाल है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी 99 से पूरी तरह विभाज्य होगी या विभाजित होगी, भाई 99 के फैक्टर करेंगे हम लोग तो 9 × 11 होंगे बच्चे, पहले 9 से काटने का नियम देख लो, 5 5 10 3 13 6 19, भाई नहीं कट रही गलत हो गया, ठीक है 9 9 कट गया, ठीक है 8 8 16 नहीं कट रही ये भी खत्म, 5 5 10 5 15 15 15 7 22 23, भाई ये भी नहीं कट रहा, तो एक ही संख्या बची और यही आपका आंसर होगा बच्चे, देख लीजिए 9 से कटेगा क्या 5 5 10 10 7 17 17 1 18 18 9 27, बिल्कुल भाई ये आपका कटेगा, तो बच्चे यही आपका क्या होगा आंसर होगा क्या 51,
मतलब 51579, ये आपका क्या होगा बच्चे, आंसर होगा जो 99 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। भाई काट के देख ले करो, पहले 9 से काट लो, क्योंकि 11 की अपेक्षा 9 से काटना बहुत आसान है बच्चे, 11 की अपेक्षा 9 से काटना बहुत आसान है। संख्या के अंकों का योग क्या हो मेरे भाई, 9 से कट जाए, तो आपके तीन ऑप्शन नहीं कट रहे, एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा, वही आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल बच्चे क्या है, ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में जोड़े जाने के बाद प्राप्त योग 29 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। बच्चे बहुत बढ़िया, यहां से आपको 10 39 को भाग देना बच्चे, कितने से आप कहेंगे भैया 29 29 है बच्चे, ठीक है, तो 29 से भाग देंगे, ठीक है बच्चे, तो 29 तिया, ठीक है, तो आप बताएंगे 29 तिया 87, कितना बच्चे 29 तिया 87, यहां से बचा कितना, तो आप बताएंगे 13 में से 7 गए तो कितना बचा बच्चे 6 बचा, और एक 16 बचा उतार लिया कितना 9, ठीक है भाई, ठीक, तो आप कितनी बार जाएगा 29 पंजे 145 बच्चे, कितना 29 पंजे 145 बचेगा, कितना यहां से आप कहेंगे भैया 4 बचा, यहां से 2 24 बचा मेरे वीर 24 बचा। अब देखो क्या है, हम लोगों को पूरी तरह कब कटता, मान लीजिए 29 का 29 एक बार और 29 आ जाता तो बच्चे जब ये पूरा पूरा कट जाता, मगर ये 24 है इसको 29 बनाना, तो इसमें कितना ऐड किया जाएगा, आप कहेंगे भैया इसमें 5 ऐड किया जाएगा, बच्चे इसको 29 बना लेंगे जब भी तो ये पूरा पूरा कटेगा, तो आप कहेंगे इसमें कितना ऐड किया जाएगा, कितना जोड़ा जाएगा, तो आप बताएंगे भैया इसमें 5 जोड़ा जाएगा, और 5 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए बच्चे अगले सवाल के पास, सवाल क्या है कि 4 अंकों की महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 और 35 दोनों से विभक्त हो क्या है, बच्चे जो 15 और 35 दोनों से विभक्त हो क्या है, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो मेरे भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम लोगों को ले लेनी है बच्चे, क्या होगी 1 2 3 4, ठीक है मेरे भाई। अब यहां से हम लोग देखेंगे तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 21 पंजे 105, 15 सत्ते 105 और 35 तिया 105, बच्चे क्या है संख्या जो है 105 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है, संख्या क्या है मेरे वीर 105 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे मेरे भाई यहां से 105 से विभाजित कर देंगे इसको, कितने से बच्चे 105 से, ठीक है, तो यहां लगभग कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, तो बच्चे 8 पंजे 40 कितना 840 हो जाएगा, ठीक है मेरे वीर 840 हो जाएगा बच्चे, बच्चा कितना यहां से 9, यहां से कितना बचेगा आप कहेंगे 5, और यहां से कितना बचेगा 159, तो ज्यादा हो रहा भैया 159 तो ज्यादा हो रहा बच्चे, 9 बार चला जाएगा पूरा ये 9 बार, ठीक है 9 बार जाएगा मेरे भाई ये बच्चे 9 बार जाएगा, तो कितना काटेगा ये 9 पंजे 45 मतलब इतना आएगा, ठीक है भाई, बच्चा कितना 4 बचा 5 54 बचा उतार लिया कितना 9 बच्चे, ठीक है, अब जाएगा लगभग 5 बार, तो मेरे भाई 5 बार जाएगा 525 चला जाएगा, कितना बच्चे 525 बचेगा, कितना आप कहेंगे भैया यहां से कितना बचेगा बच्चे 4 बचेगा, ठीक है, और यहां से कितना बचेगा 2 24 बचेगा मेरे भाई, बचेगा कितना बच्चे 24 बचेगा, ये 24 एक्स्ट्रा है तो 24 आप लोग इसमें से घटा दीजिए बच्चे, 24 घटा दीजिए 9 9 9 9 में से जब आप 24 घटाएंगे तो यहां से कितना बचेगा 9 9, ठीक है बच्चे, यहां से कितना बचेगा आपका 9 9, ठीक है मेरे भाई, कितना 7 and 5, तो क्या 9975 किसके पास है, तो आप कहेंगे 9975 जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चे बिल्कुल सही है 9975, तो आप बताएंगे जो आपका 40 नंबर का सवाल है उस सवाल का आंसर क्या है आपके का सी है बच्चे, 40 नंबर के सवाल का आंसर आपके का क्या है सी। चलिए अगला सवाल क्या है, यहां से 84 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है बच्चे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4 5 मेरे भाई किससे विभाजित है 84 से, तो बच्चे यहां से आप लोग काटेंगे 84 का 84 बच्चे, यहां से बच्चा कितना आप बताएंगे 5 और 1 15 बच्चा उतार लिया कितना 9, ठीक है मेरे भाई 84 का फिर 84 बार ही जाएगा बच्चे, कितना 84 का 84 बचेगा कितना यहां से आप बताएंगे 5, यहां से कितना मेरे भाई 7, ठीक है बच्चे, तो यहां से आप देखो आप क्या उतारोगे 9 उतारोगे, ठीक है मेरे भाई, तो 8 9 72 लगभग 9 बार जाएगा क्या भाई 9 बार जाएगा क्या 9 4 36 के का 6 हासिल लगे 3 नोटे 72 और 3 75 बच्चे 72 और 3 कितना आप कहेंगे भैया 75, तो बचा कितना यहां से आप कहेंगे भैया 3 बचा, कितना बचा बच्चे 3 बचा, उतार कितना लिया 9 उतार लिया, भागना जाती का 0, तो मेरे भाई ये एक्स्ट्रा आ गया ये शेष आ गया, तो इसको यहां से घटा दीजिए बच्चे, इसको इसमें से घटा दीजिए 1 2 3 4 5, किसको घटाना है 39 को, कितने को 39 को भाई, यहां से 0 यहां से कितना 6 यहां से 9 9 9, तो बच्चे क्या 9 9 9 60 9 9 9 60 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, तो आपके 41 नंबर सवाल का आंसर जो है बच्चे वो क्या है आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई। सवाल यहां से क्या है कि 2957 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए ताकि योग 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो बच्चे 2975 है, 2957, इसको 17 से आप लोग भाग कर लो मेरे भाई। किससे? 17 से। 17 से भाग की 17 बच्चे, बच्चे कितना यहां से आप बताएंगे, 2 और 1 12 बच्चे, उतार कितना लिया 5, ठीक है। 17 सत्ते 119 मेरे भाई, 17 सत्ते कितना बच्चे 119, बच्चा कितना यहाँ से 6 बचा, ठीक है बच्चे, उतार लिया कितना 7, 17 चौका 68 मेरे भाई कितना होता, अगर 17 चौका कितना होता बच्चे 68 होता, अगर ये 68 होता तो पूरी तरह कट जाता। तो मेरे भाई 67 को 68 बनाना तो कितना ऐड करना पड़ेगा, आप कहेंगे भैया 1 ऐड करना पड़ेगा। बच्चे कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 1 आपके किस ऑप्शन में, आप बताएंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है कि 1 ऐड यहां से इसमें करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। सवाल है कि n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। मेरे भाई 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी, आपको कल भी बताई थी, क्या थी बच्चे 101 थी, क्या थी मेरे वीर 101, ठीक है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा भाई, इसको 13 से विभाजित करना शेषफल, ठीक है। 13 सत्ते 91 बच्चे कितना 91, शेषफल कितना बचा आप कहेंगे भैया 10 बचा मेरे वीर, कितना शेषफल बचा आप बताएंगे भैया 10 बचा। तो 10 आपके किस ऑप्शन में, आप बताएंगे भैया 10 जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, बिल्कुल सही है 10 बच्चे, क्या 10 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई। अगर किसी भी सवाल में आप लोगों को दिक्कत है तो बच्चे दोबारा पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए सवाल है कि यदि 10 अंकीय एक संख्या, भाई ये संख्या है 10 अंकीय है, ठीक है, इसको क्या 88 से विभाज्य है बच्चे, किससे विभाज्य है 88 से। तो मेरे भाई क्या 8 × 11 का फैक्टर करेंगे, ठीक है बच्चे, 8 × 11 का, तो x प्लस वाई का मान बता देना बच्चे, किसका x प्लस वाई का मान। तो पहले संख्या लिख लीजिए यहाँ से क्या 1330 x 55 8y2 बच्चे पहले 11 से ही काट लीजिए, 11 से देखो कैसे काटेंगे हम, 1 3 4 ठीक है बच्चे, 4x 4 5 9 9 फिर बाई है भाई, तो क्या 9 + x + y बच्चे ये आ गया, एक साइड ये आ गया, अंतर करना किसका भाई इनका, 3 0 3 5 8 और 8 कितना बच्चे 16 और 2 कितना आप कहेंगे 18 मेरे भाई, इधर कितना 18। तो देखो क्या बच्चे एक बात सोचने वाली है, यहाँ से थोड़ा सोचनीय बात है, सोचने बात यह है बच्चे के 11 से कटने के लिए क्या हो भाई, जैसा हमने कर लिया कि सम स्थानों वाला और विषम स्थानों वाला, इनके योग कर लिए अंकों का, सम स्थानों के अंकों का योग कर लिया, विषम स्थानों के अंकों का योग कर लिया, अब इनका अंतर या तो 0 आ जाए या 0 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए, तो भाई इसको 0 बनाना। 9 तो हमारे पास है, एक्स और वाई का मान हम लोगों को क्या रखना जो ये 18 हो जाए, तो आप कहेंगे भैया 9 ही रखना, प्लस कितना रखना 9, तो x प्लस वाई का मान बच्चे हमने कितना रख लिया 18, जब भी तो ये हमारा 18 हुआ और 18 में से 18 गए मेरे भाई, तो कितना बन गया आप कहेंगे भैया 0, अब ये संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। तो बच्चे हमने x प्लस वाई का मान क्या रखा आप कहेंगे भैया 9 रखा, और 9 किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है बच्चे, जो 44 नंबर के सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है 44 नंबर के सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल बच्चे यहां से क्या है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे इतनी संख्या को 12 से विभाज्य हो जाए भाई, 12 से, ठीक है बच्चे, 12 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो संख्या क्या है आपके पास, 517 है बच्चे, x है 324 ये है भाई, 12 से करना है तो 12 के फैक्टर करेंगे हम लोग कितना, 3 × 4 कर देंगे बच्चे, तो पहले हम लोग इसको 3 से करेंगे बच्चे, 3 से, तो 3 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योग क्या हो भाई, 3 से कटना चाहिए, तो 5 और 1 6 कट गया बच्चे, 7 काटा 1 शेष बचा, ठीक है, 4 2 6 ये कट गया, 3 और 1 4 बच्चे कितना हो गया, 4 + x हो गया, 4 + x, तो बच्चे x का मान हम क्या रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आप कहेंगे भैया ये 6 होना चाहिए, फिर तो 6 होगा जब ही 3 से कटेगा बच्चे, तो x की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया बच्चे, आप कहेंगे भैया 2 रख दिया भाई, मेरे x की जगह हम लोगों ने क्या रखा 2, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा बच्चे, आप कहेंगे 1 से ही काट के देख लीजिए, 2021 में आया हुआ सवाल है भाई, CGL के प्री में। तो भाई इस सवाल का आंसर बच्चे क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 45 का आंसर डी होगा भाई, 45 का आंसर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है यदि 6 अंकों की एक संख्या भाई ये है आपके पास 15x 1/2 संख्या 44 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान मेरे भाई x प्लस वाई यहां से क्या 4 × 11
तो बच्चे 11 से ही काट के देख लीजिए यहां से आप लोग, क्या है संख्या क्या, 1 5x 1y 2 1y 2 बच्चे कर लीजिए 1x y, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से क्या होगा 1 + x + y बच्चे 1 + x + y अंतर कर दीजिए, दूसरी साइड क्या आएगा 5 और 1 6 और 2 कितना बच्चे 8, यहां से 8 आ गया। तो भाई इसको 8 बनाना कैसे बनाएंगे, तो एक तो है ही 1 + 7 1 + 7 जब ही तो ये मेरे भाई क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, और इसमें से जब आप 8 घटाओगे तो बच्चे क्या प्राप्त होगा 0, ठीक है। तो बच्चे देखो यहां से एक तो था मगर x प्लस वाई का मान हम लोगों ने क्या रखा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 7 रखा। x प्लस वाई का मान बच्चे हम लोगों ने क्या रखा यहां से, तो आप कहेंगे भैया कि x प्लस वाई का मान तो यहां 7 रखा गया है। तो बच्चे इस सवाल का आंसर क्या होगा, x प्लस वाई का मान ही तो उसने पूछा था, आप कहेंगे भैया क्या होगा 7 होगा। देखो एक से ही काम चल रहा भाई, तो जबरदस्ती टाइम खराब करने से क्या फायदा, ठीक है बच्चे। तो यहां से आप लोग बताएंगे क्या आ चुका है इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। चलिए अब अगला सवाल जो है आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई, करने की कोशिश कीजिए। सवाल बच्चे यहां से क्या है कि x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, बच्चे ये संख्या है, संख्या डबल नाइन से विभाज्य है मेरे भाई, डबल नाइन से कटने के लिए क्या है 11 × कितने से मेरे भाई 9 से। तो बच्चे यहां से x का मान पूछा और x एकली संख्या एक ही तो है x, तो बच्चे 9 से काट लीजिए पहला, तो देख लीजिए 9 कट गया आपका 4 और 5, 9 कट गया आपका, ठीक है बच्चे 8 और 1 9 कट गया, 2 एक्स्ट्रा बचा 3 और 2 5 x, मेरे भाई क्या बचा यहां से 5 + x बचा। तो बच्चे x की वैल्यू क्या रखो, तो आप कहेंगे भैया इसको 9 बना लीजिए, तो 5 + 4 ही तो रखेंगे हम लोग, 5 + 4 जब ही तो 9 होगा और जब ही तो ये 9 से कटेगा, तो मेरे भाई हमने x के मान की जगह बच्चे रखा क्या है, आप कहेंगे भैया 4 रखा, तो यही आपका क्या होगा मेरे वीर, यही आपका आंसर होगा बच्चे ऑप्शन नंबर 4, मतलब ऑप्शन जिसमें 4 है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा 47 नंबर के सवाल का आंसर। बच्चे 47 नंबर के सवाल का आंसर आपके का क्या हो चुका है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी हो चुका है। चलिए अब चलते हैं 48वें सवाल पर। बच्चे सवाल यहां से क्या है कि 500 से 650 तक दोनों संख्याएं सम्मिलित, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है, बच्चे दोनों से विभाज्य, तो पहले हम लोगों को देखना कि 3 और 7 दोनों से कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, ठीक है फिर उनको टोटल में से घटा देना, भाई टोटल संख्याएं कितनी होंगी इन दोनों का अंतर करोगे तो 151 होंगी बच्चे, क्यों दोनों संख्याएं ऐड करनी, ठीक है 151। अब भाई मेरे देख लो पहले 3 से कटने वाली संख्याएं देख लो इनके बीच कितनी होंगी बच्चे, तो 3 से कटने वाली संख्या यहां से हम लोग देखेंगे तो कितनी होगी 501 होगी बच्चे, पहली संख्या क्या होगी 501, 3 से कटने के लिए 501, और लास्ट क्या होगी मेरे वीर, तो लास्ट यहां से क्या होगी, लास्ट होगी बच्चे यहां से 3 × 18 3 × 6 3 × 3 20 बचा 3 × 18 2 से 6 तो 648, ठीक है बच्चे कितनी होगी 648 होगी, 648 बस यहां से संख्याएं निकाल लीजिए जो 3 से डिवाइड होंगी बच्चे, 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं निकालेंगे आप लोग, तब किस प्रकार निकालेंगे, लास्ट संख्या मेरे भाई कितना 648 माइनस प्रथम बच्चे कितना 501 अपॉन में क्या मेरे भाई इनका डिफरेंस कितने का है बच्चे 3 का है, और प्लस क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से आप लोग घटाएंगे 8 में से 1 गया बच्चे कितना बचा 7, 4 में से 0 गया 4 बचा, और यहां से कितना 147/3 + 1 बचे काटा इसको 4 × 3 = 12 और 3 × 9 = 27 तो 49 और 1 कितना आ गया मेरे वीर, यहां से संख्याएं आ गई आपकी 50 बच्चे, कितनी संख्याएं आ गई 50। चलिए अब यहां से आप लोगों को 7 वाली संख्या भी निकाल लेनी है कि 7 से विभाजित होने वाली, तो बच्चे जो 7 से विभाजित होगी वो क्या होगी 7 × 7 = 49 7 × 7 = 14 बिल्कुल, तो आप बताएंगे 504 होगी आपकी प्रथम संख्या 504, ठीक है। और यहां से आप देखोगे 7 × 63 7 × 63 तो बच्चे लास्ट संख्या जो होगी आपकी 630 होगी, कितनी होगी बच्चे 630, भाई यहां से जब आप 7 से डिवाइड होने के लिए निकालोगे कितनी संख्याएं होंगी बच्चे, तो इसमें से ये घटा दो तो भाई 10 में से 4 गया आपका कितना बचा बच्चे 6 बचा, ठीक है, और 2 का 2 रहा और 1 का 1 बटे कितना बच्चे अंतर कितने का 7 का + 1, ठीक है मेरे भाई 7 × 7 बचा कितना यहां से 5 7 8 56 सॉरी 7 × 7 7 × 5 = 12 मेरे भाई क्या 4 10 में से 4 गया 6 बचा बच्चे 2 में 0 गया 0 बचा और 6 में से भाई यहां संख्या और आ गई अभी बच्चे, यहां तो और आ जाएगी अभी, लास्ट संख्या नहीं आने की, लास्ट क्या आएगी 7 × 63 बचा 2 हो गया 20 7 × 2 = 14 ठीक है बच्चे 7 × 2 = 14 6 तो 54 आएगी क्या 54, ठीक है बच्चे 644 आएगी क्या 7 से काटा 7 × 63 बिल्कुल
644 आएगी बच्चे लास्ट, 644। बस मेरे भाई 644 यहाँ से घटाओगे तो 4 में 4 गया बच्चे 0 बचा, 4 में 0 गया 4 बचा, 140 बटे कितना 7 और प्लस कितना मेरे भाई 1, तो ये कितनी 20 और 1 कितनी बच्चे 21। तो 7 से कटने वाली संख्या है टोटल कितनी हो गई मेरे भाई 21। अब देखो क्या है कि इन दोनों से कटने वाली संख्याओं की अगर मैं बात कर लूँ इन दोनों से, तो बच्चे इन दोनों से कौन सी संख्या कटेगी जो 7 या 21 से कटेगी मेरे भाई, जो 21 से कटेगी, ठीक है। तो 21 से कटने के लिए आप देखोगे कौन सी संख्या कटेगी, 21 दूनी 42 बचे 10, 21 होकर 104 भाई 21 से कटने वाली संख्या तो पहली तो होगी 504 होगी और लास्ट की संख्या कितनी होगी बच्चे 21 63 630 होगी 630। 21 से क्यों, 21 से क्यों, क्योंकि 3 और 7 का एलसीएम क्या है मेरे भाई 21 है, ठीक है बच्चे 21 है। तो जो संख्या 21 से नहीं कटनेगी वो इनसे नहीं कटनेगी, ठीक है बच्चे। यहां से आप लोग देखोगे 21 से भी तो कटेंगे और 21 से कटने वाली संख्या इन दोनों में भी कॉमन आ चुकी होंगी। यहां से ये घटाया हम लोगों ने कितना बचा, यहां से जो बचा था मेरे भाई 6 में 6 बचा और बच्चे 2 बचा 126 बटे कितना आप कहेंगे 21 और प्लस 1 प्लस 1 बच्चे। यहां से काटोगे 21 से काटा इसको कितनी बार 21 छक्का 126 तो यहां से कितनी संख्या आ गई 7 भाई। इन दोनों के योग में से 7 घटा दो तो बच्चे 50, इसमें से 7 घटा दो बच्चे कितनी यहां से आप कहेंगे 14 बच्चे 14 और 50 कितनी होगी मेरे भाई तो आप कहेंगे 64 संख्याएं तो ऐसी हैं जिनमें भाई भाग चला जाएगा बच्चे। 64 संख्याएं ऐसी हैं जो विभाजित हो जाएंगी, उसने बुझा विभाजित नहीं होने वाली संख्या मेरे भाई नहीं वाली। तो देखो टोटल ये कितनी थी 151 थी, इसमें से 64 घटा दो ये वाली बच्चे, इसमें से ये 64 घटा दो टोटल में से मेरे भाई, टोटल में से 64 घटा दो कितनी बचेंगी बच्चे, तो टोटल में से 64 घटाई तो बच के कितनी आई भाई 111 में से 4 गए तो 7 4 11 7 बचा, यहां से कितना रह गया 14 14 में 6 गए तो बचा कितना बच्चे 8। तो कितनी संख्याएं हैं तो मेरे भाई आप कहेंगे 87 87 आपके किस ऑप्शन में बच्चे, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है 87। सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ सवाल भाई, सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ सवाल है और सवाल का आंसर क्या आ चुका है बच्चे 87। थोड़ा लेंथी था कोई दिक्कत नहीं भाई, ये हम लोगों ने 21 से काटी है, किससे बच्चे 21 से, क्यों क्योंकि दोनों का एलसीएम 21 था। चलिए अगला सवाल बच्चे क्या है, सवाल है यहां से जब धनात्मक संख्या एक्स वाई और जेड को 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 17 24 और 27 शेषफल बचता है मेरे भाई, क्या एक्स वाई और जेड को 31 से बच्चे, देखो अगर एक्स को करता हूं मैं 31 से, ठीक है तो कितना शेष प्राप्त हो रहा मेरे भाई 17 शेष प्राप्त हो रहा भाई। अगर 31 से डिवाइड कर रहा हूं किसको वाई को बच्चे, तो कितना शेष प्राप्त हो रहा, तो आप कहेंगे भैया यहां से शेष प्राप्त हो रहा 24 और जब मैं 31 से डिवाइड कर रहा हूं किसको जेड को बच्चे, तो यहां से कितना शेष प्राप्त हो रहा, तो आप कहेंगे भैया यहां से हो रहा 27 बच्चे। यहां से आप देख लीजिए हम लोगों को क्या निकालना है, एक्स बाई जेड के मान निकाल लेने, तब हम लोग क्या करेंगे यहां पर हम भागफल एक इसका मान लीजिए एक इसका और एक इसका, ठीक है मेरे भाई। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है तो भाज्य बराबर भाजक गुणा गुणा भागफल, तो बच्चे 31 का 31 31 में को 17 जोड़े तो x बराबर कितना आ गया मेरे वीर, आप कहेंगे भैया x बराबर आ गया 7 और 1 8 3 और 1 4 48 बच्चे। y बराबर अगर हम देखेंगे तो इसको जोड़ दीजिए तो 4 और 1 5 आ गया बच्चे और 3 2 5 55 आ गया, ठीक है 4 1 5 3 2 5 बच्चे। z को अगर हम यहां से निकालेंगे तो z कितना आ जाएगा हमारा 7 और 1 8 3 और 2 5 58 ये आ चुका है बच्चे, ये आ चुका है। तो पूछा है उसने क्या पूछा है कि 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा भाई, अच्छा सवाल है काफी अच्छा सवाल है बच्चे, ठीक है। तो 4x मैं निकाल लेता हूं यहां से बच्चे, 4x की बात आ गई है तो हम लोग निकाल लेते हैं। देखो 4x भाई 4 की जगह x रख दो 4 48 48 चौक कितना हो गया, तो 4 चौक 16 4 8 32 192 बच्चे कितना हो गया 192 माइनस, ठीक है 4 चौक 16 160 और 8 चौक 32 160, ठीक है भाई। अगला क्या है 2y 2y 55 दूनी 110 मेरे भाई कितना 55 दूनी 110 बच्चे, फिर प्लस 3z 3z 5 3 150 8 3 24 174 भाई कितना 174 बच्चे। यहां से जब आप लोग इसको कितने से डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे भैया इसको डिवाइड हम लोगों को कर देना है कितने से बच्चे 31 से, ठीक है 31 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो मेरे भाई 31 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे कितना कितना शेष बचेगा बच्चे, यहां से इसको काटेंगे हम लोग तो कितना शेष बचेगा इसका, ठीक है मेरे वीर। तो आप बताएंगे भैया 31 30 3 छंग 18 ठीक है 3 छंग 18 180 और 6 186, तो यहां से कितना बचा बच्चे 6 शेष बचा। यहां से जब आप इसको काटोगे 30 या 90 ठीक है, तो 31 93 7 वो 10 ये 17 शेष यहां से बचा
और जब आप इसको काटोगे बच्चे कितना आएगा यहाँ से आपका 3 × 5 = 15 150 और 5 = 155 75 था ना, तो 20 यहाँ से कितना आया बच्चे 19 शेष आया, कितना 19। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से कितना आया आप कहेंगे भैया 19 शेष आया बच्चे। अब यहाँ से हम लोग इसको देखो ऐड करते हैं, ठीक है, तो 19 और 6 25, 25 और 7 ठीक है बच्चे क्या है 19 × 6 = 25। मेरे भाई यहाँ से कितना हो गया आप कहेंगे 19 × 6 = 25 तो हो गया प्लस का, माइनस कितना बच्चे 17, तो 25 में से 17 गए तो कितना बचा आप कहेंगे भैया 8 बचा, और यही क्या होगा बच्चे आपका शेष होगा, यही क्या होगा आपका शेष, क्योंकि ये 17 किसका मेरे भाई माइनस का, तो 8 क्या बचेगा यहाँ से शेष बचेगा बच्चे, 8 क्या बचेगा शेष, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है, 2016 के सीजीएल प्री में आया हुआ सवाल, काफी अच्छा सवाल है बच्चे। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, और आज की वीडियो का हमारी का लास्ट सवाल है बच्चे, करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई हम लोग मान लेते हैं कि बड़ी संख्या हमने मान ली कितनी है मेरे वीर x है, ठीक है, और छोटी संख्या हम लोग मान लेते हैं बच्चे कितनी, आप कहेंगे भैया छोटी संख्या हम लोगों ने मान ली y, ठीक है, तो उसने कही है जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग किया जाता है, ठीक है, तो उसने बोला भागफल कितना 7 और शेषफल कितना है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 50 है, क्या है बच्चे 50, ठीक है। तो एक चीज आप लोगों को यहां से ध्यान में रखनी है मेरे भाई, एक चीज आप लोगों को यहां से ध्यान में रखनी है बच्चे, ठीक है, ये 50 जो है बच्चे कुछ बच का आया, तो इन दोनों की गुणा यहां आई होगी, तो आप कहेंगे y गुणा 7 यहां रखा होगा हमने, यहां क्या होगा तो आप कहेंगे y गुणा 7 तो होगा, ठीक है, प्लस क्या होगा 50 एक्स्ट्रा होगा, जब ही तो y गुणा 7 में से y गुणा 7 घटा ये, तो 50 एक्स्ट्रा हो गया बच्चे, कितना 50 एक्स्ट्रा होगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो क्या कही है कि दोनों संख्याओं का अंतर, भाई उसने बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 1280, तो मेरे वीर ये जो मान है बच्चे ये x का है, ठीक है बच्चे रख दो, दोनों संख्याओं का अंतर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या x का मान कितना आप कहेंगे 7 / -50, ठीक है, इसमें से आप लोगों को घटाना है कितना -y कर दो बच्चे, कितना कर दो -y, तो आप कहेंगे 7 / +50 - y बराबर कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया यहां से 1280 बच्चे, यहां से देखोगे आप 6y बचा आपके पास कितना 6y बराबर ये 50 इधर जाके घट गया, तो ये कितना बचा आप कहेंगे भैया 1230 बचा भाई, y का मान बच्चे यहां से निकालेंगे 6 × 12 = 0, 6 × 5 = 30 205 मेरे भाई y का मान कितना आ गया 205 आ गया बच्चे, तो पूछा क्या बड़ी संख्या, बड़ी संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है भाई, बड़ी संख्या क्या है, तो बच्चे बड़ी संख्या हम लोगों ने क्या मानी है अभी, ये मानी है भाई, यहाँ पे y का मान रख दो आप, ठीक है, तो क्या रखोगे 205 गुणा कितना बच्चे 7 और प्लस कितना आप कहेंगे भैया 50, यहां से गुणा करेंगे 7 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14 और प्लस कितना कर देंगे बच्चे 50 ऐड कर देंगे भाई, जब 50 ऐड करेंगे इसमें तो क्या आएगा, ये हमारा 5 × 0 = 5 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 5 और 3 कितना जाएगा बच्चे 8 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से कितना 1485 बच्चे कितना आ जाएगा, यहाँ से 1485 आ जाएगा मेरे भाई, 1485 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया 1485 जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 50 नंबर के सवाल का आंसर मेरे भाई क्या है हमारे का, तो आप कहेंगे भैया कि 50 नंबर के सवाल का आंसर हमारे का क्या है, ऑप्शन नंबर डी, तो बच्चे देख लीजिए क्या है, आज यही सवाल मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ था मेरे भाई। हम अपनी वीडियो को अब यही रोकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें मेरे भाई, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।